महेश नामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सन 1992 6 दिसंबर, ये वो दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। आज बाबरी मस्जिद शहीद होने की 27वीं वर्ष है। मुंब्रा में एनसीपी कार्यालय में बाबरी मस्जिद की याद में दुआ मांगी गई और अजान भी दिया गया। इसी तरह बॉम्बे कॉलोनी में MIM पार्टी के कार्यालय में भी आज 27वीं बरसी पर दुआ मांगी गई और अजान दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। क्या कहा है मौलाना रफीक अजमल ने? असल में बाबरी मस्जिद का एक सानहा ही समझ लीजिए मुसलमानों के लिए, क्योंकि उस मस्जिद के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली और उसके जो अभी रिकॉर्ड मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें ये मालूम होता है कि ये मस्जिद थी और उसे जो है ज़बरदस्ती जो वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई उसको भी कोर्ट ने कबूल किया, और फिर उसके बाद वहाँ से जिस तरीके से मस्जिद को तोड़ने के लिए लोगों ने मदद की और तोड़ा, वो भी जुर्म जो है माना गया है कोर्ट के ज़रिए से। बहरहाल हमारे यहाँ इस्लाम में, मुसलमानों में ख़ासतौर पे जो दीनी शियार है, हमारे दीनी कुरान हदीस के रूह से एक बात ये है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई जाती है वो अल्लाह का घर होता है, फिर उसे किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना या देना या बेचना ये हमारे मर्ज़ी की बात नहीं होती है, ये अल्लाह ही की ज़मीन होती है। लेकिन एक बात यह है कि 6 दिसंबर हमारे लिए एक दिन है, जिसको मैंने कहा था कि अभी एक शेर के ज़रिए से कि अपने बच्चों से हर एक बात छुपा लूँगा मगर 6 दिसंबर का मैं अखबार कहाँ रखूँगा। तो आज के दिन जो है एक हमारे लिए हमारे मज़हब के अतबार से और दूसरे खुद जो है मुसलमानों के लिए उनका मोरल डाउन करने के लिए जो कोशिश की गई, इसमें हमें और आपको जो हिम्मत से रहना है अल्लाह, तो इसीलिए हम जो है अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम रो तो सकते हैं, हम अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं। इसीलिए जो है आज जो शमीम भाई और उनके रफ़का की तरफ से ये यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़ किया गया कि दुआ की जाए अल्लाह से, और अल्लाह से जब भी कुछ मांगना हो, जब भी कोई आफत आती है तो उसके लिए हमारे मजहबी वसूल में है कि अजान दी जाए, तो अजान और दुआ के ज़रिए से हमने अपना एहतजाज दर्ज किया है और हम जब तक के बाहयात रहेंगे तब तक के वो अल्लाह का घर है, हम उसके लिए इतना तो ज़रूर हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तेरा घर है तो ही उसकी बका के लिए, और अगर नहीं हम करेंगे तो हम अल्लाह के पास गुनहगार होंगे, इसलिए हम अपने गुनाहों के सिलसिले से कि अल्लाह के हमें बाजपुश होगी उससे बचने के लिए हमने ये काम किया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।